वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अज असी जिहड़ा नवा टॉपिक करना है, साढ़े उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट, ये वर्ड जर्नल है याद रखना, जनरल नहीं। इसनों की कहने हैं जर्नल। असी जर्नल का फॉर्मेट अज बनाना सीखांगे। इस तो पहला आप जी ने एक वीडियो भेज दी गई सी, वो 8-9 मिनट की वीडियो सी। मैं उम्मीद करदा कि वो वाली जिहड़ी वीडियो है आप जी ने जरूर सुन ली सी। अज असी फॉर्मेट किवें बनाना है इस नूं करन दी कोशिश करांगे। फॉर्मेट दे विच है की एक साढ़े कोल डेट का कॉलम है, उस तो बाद साढ़े कोल पर्टिकुलर्स का डे कॉलम है, उस तो बाद साढ़े कोल एल एफ का कॉलम है। एल एफ नूं कहने लैजर फोलियो, की कहने लैजर फोलियो, फोलियो हुंदा पेज नंबर, लैजर का पेज नंबर। उस तो बाद प्यारे विद्यार्थियों साढ़े कोल है डेबिट अमाउंट का कॉलम, नाल रूपीज़ पाया करांगे। इस तो बाद है साढ़े कोल क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, नाल रूपीज़ पावांगे। ये कुछ कु साढ़े कोल कॉलम्स ने जिहड़े असी जर्नल दे विच बनाने ने। तुसी लोग सारी आपदी पेन कापी पेंसिल लैके बैठो। हुण मैं फॉर्मेट बनाना शुरू कर रहा हाँ, तो तुसी ध्यान देना है कि फॉर्मेट किवें बनना है। प्यारे विद्यार्थियों गल का ध्यान रखना है कि तुहाडे कोल जिहड़ा भी रजिस्टर होएगा जां जिहड़ा भी तुहाडे कोल नोटबुक होएगी, उनके उपर शुरू तो टू लाइनस लगिया होणगियां। ओ वालियां दो लाइनां दे उपर तुसी पेंसिल रख के लंबी लाइन लगानी है। इस गल का ध्यान रखना है। दोबारा फिर सुनो, असी की करना है के लंबी लाइन लगानी है, और उस तो बाद फिर नीचे जिहड़ी एक लाइन होएगी तुहाडे रजिस्टर दे उपर जां नोटबुक दे उपर, तुसी उत्थे फिर पेंसिल रख के प्यारे विद्यार्थियों पेंसिल रखन तो बाद आप जी ने उत्थे लाइन लगानी है। इस गल दा ध्यान रखना है कि जिहड़ी असी लाइन लगानी है वो साड़ी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए है, और असी उत्थे पेंसिल नू यूज़ करना है। हुण कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि पेंसिल नू क्यों यूज़ करना है, तुसी ये समझ लो कि असी दोबारा नीचे वाली क्लासा च आ गए, असी पेंसिल यूज़ करांगे। हुण ध्यान देना है, मैं फॉर्मेट दे फिर लाइन लगा रहा कि तुसी किद्दां नाल लाइन लगानी है। इस गल दा असी ध्यान रखना है कि लाइन किवें लगनी है। ता तुसी पेन कापी लैके बैठो, जिमें मैं लाइन लगा रहा, तुसी फॉर्मेट नूं ओवें बनाण दी कोशिश करनी है। बिल्कुल लाइन साड़ी सीधी जानी चाहिए है, इस गल दा ध्यान रखना है। होर हुण तुहाडे कोल एक साइड ते ध्यान रखना है कि इस साइड ते भी दो लाइनस लगिया हुई हैं। ये वालियां दो लाइनस दे उपर आप जी ने पहला दी तरह पेंसिल रखनी है, जिमें कि मैं लगा रहा हाँ। ध्यान देना है, एवें ही पेंसिल रखते हुए असी इतों एक लाइन ड्रा करनी है। प्यारे विद्यार्थियों इस तो बाद साढ़े कोल पेज का जिन्ना हिस्सा बच गया, फॉर्मेट नू बड़े ध्यान नाल समझण की कोशिश करो। जिस बच्चे नू फॉर्मेट वधिया बनाना आता है उस दियां जनरल एंट्रियां की अटैम्पटेशन ही बहुत वधिया हो सकती है। हुण साढ़े कोल जिन्ना पेज रह गया स्टूडेंट्स, उस दा असी लगभग 50% और मोर दैन 50% पेज लैके असी पर्टिकुलर्स वाला जिहड़ा साडा कॉलम है उस नूं बनाना है जी। इस तो बाद लगभग 1 सेंटीमीटर दा कॉलम असी बनाना है, 1 या 1.25 सेंटीमीटर दा, इस दा ध्यान रखना है। असी वो कॉलम ड्रा करना है, स्केल दे नाल तुहाडी लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों इस तो बाद जिन्ना तुहाडे कोल पेज बचिया
उस दे असी दो बराबर बराबर की करने हैं जी कॉलम बनाने हैं। मैं थोड़ा जहा इस होर एक्सपेंड कर रहा हाँ तो ध्यान देना है तुसी। ता असी इस दे दो लगभग दो बराबर बनावांगे जी, दो इक्वल ही सानू नज़र आएंगे, बिल्कुल बराबर बराबर नज़र आएंगे जी। असी दो लगभग बराबर कॉलम बनाने हैं जी, लेकिन जे आ साइड वाली लाइन जिहड़ी मैं खिंच रहा हाँ, आप जी ने ये लाइन ध्यान रखना है, नोटबुक के उपर नहीं लगानी, सिर्फ मैं इत्थे ही लगा रहा हाँ। आप जी ने नोटबुक के उपर इस तो बाद तुहाडा पेज खत्म हो जाएगा, इस तो बाद असी कोई लाइन नहीं लगानी, असी इस गल का विशेष तौर पर ध्यान रखना है जी। असी कोई होर लाइन ए वाली सिर्फ इत्थे ही लगाई जा रही है। ये हुण साडे कोल बन गया फॉरमेट ऑफ जर्नल, उत्ते लिखांगे, ध्यान देना है, असी उपर लिखांगे जर्नल ऑफ, जिसने भी बिजनेस शुरू किया है उसका नाम लिखा जाएगा। जे राम ने बिजनेस शुरू किया है तो राम का नाम लिखा जाएगा, आकाश ने किया है तो आकाश का नाम लिखा जाएगा। माई डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना है, इस तो बाद असी कैपिटल लैटर दे विच सब तो पहला इत्थे लिखना है डेट, डेट पाना है, डेट पाने तो बाद फिर असी कैपिटल लैटर विच लिखना है पार्टिकुलर्स। याद रखना है कि ये असी कैपिटल लैटर पाने हैं पार्टिकुलर्स, और इस तो बाद असी नैक्सट कॉलम बनाना है एल एफ का। एल एफ की होंदा है ये मैं तुहानू दस चुकिया, लैजर फोलियो, एल एफ नू असी लैजर फोलियो के नाम नाल जानते हाँ। तो इस तो बाद नैक्सट कॉलम के विच असी लिखना है प्यारे विद्यार्थियो डेबिट, लैटर हमेशा कैपिटल ही पाने हैं डेबिट। मैं अमाउंट पा रहा, बड़े स्टूडेंट्स इतने अकाउंट पा जाते हैं, याद रखना डेबिट अमाउंट नार रूपीज पाना है। और इस तो बाद क्रेडिट और नाल वर्ड पाना है अमाउंट, अमाउंट पाना है। मैं वार वार अमाउंट बोल रहा, अकाउंट नहीं बोल रहा, नार रूपीज का साइन पाना है। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ कमर्स, असी हुण रूपीज का आ वाला साइन बिल्कुल बंद कर देंगे, असी रूपी का साइन हुण आ वाला पाना शुरू करना है। कमर्स वाले ये वाला साइन पाते हैं, इस गल का असी ध्यान रखना है। हुण आओ असी एक जनरल एंट्री करके देखिए, साल सिर्फ इक्को बारी पाना है, मैं 2021 पा लिया। सपोज जनवरी की फस्ट डेट नूं असी एंट्री की, एंट्री की असी राम स्टार्टिड बिजनेस, की की जी राम स्टार्टिड बिजनेस विद कैश, विद कैश रुपीज 80,000। तो सानू पता है कि राम नू असी कैपिटल लिखना है, असी बड़ी चंगी तरह जानते हाँ कि राम नू असी की लिखना है जी कैपिटल, ओके। और ये साढ़े कोल परसनल अकाउंट है और ये साढ़े कोल रियल अकाउंट है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना है, असी सब तो पहला डेबिट किनू करना है, कैश नू असी चंगी तरह जानते हाँ, पढ़ चुके हैं, और क्रेडिट किनू करना है कैपिटल नू। तो सब तो पहला असी डेबिट वाला लिखांगे, तो थोड़ी जी स्पेस छोड़ के सी पावांगे, सी कैपिटल, बाकी सारे समॉल लैटर पाए जाएंगे, कैश अकाउंट ध्यान देना है बेटा जी, कैश अकाउंट नाल डेबिट, डेबिट दूर करके पाना है, ये लैजर फोलियो दी लाइन दे बिल्कुल नाल करके पाना है, इनू टच नहीं करना चाहिए, बट टच करदा होवेगा उनके वर्गा है, बिल्कुल टच नहीं कर रहा, बिल्कुल इन्हें नाल करके पाना है। इस तो बाद क्रेडिट असी वर्ड नहीं पाना, क्रेडिट इज इक्वल टू टू,
क्रैडिट की थान पर टू पाया जाता है। तो तीन लैटर छोड़ांगे, वन टू थ्री, चौथा लैटर एच है, एच के नीचे प्यारे विद्यार्थियों असी पावांगे टू, नाल की लिखांगे जी कैपिटल टू, कैपिटल नाल लिखांगे अकाउंट, तो की पावांगे जी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, किन्नी अमाउंट है 80,000। डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम विच असी 80,000 लिख दांगे, पर याद रखना है इनू लिखन लग्या पिछों थ्री लैटर, वन टू थ्री लैटर छोड़ के छोटा जिहा कोमा जरूर पाना है, ता कि जदों असी लास्ट विच इस नू ऐड करिए, इसका टोटल लगाइए, तो सानू कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर टू के सामने लाइन विच तुरे जाना है, क्रैडिट वाले सामने असी 80,000 लिख देना है, क्योंकि जिनी अमाउंट डेबिट विच लिखी गई है सेम अमाउंट क्रैडिट विच लिखी गई है, इस वास्ते इस नू असी डबल एंट्री सिस्टम कहने आ। बेटा जी मैनू तुहानू पहले दो चैप्टर पढ़ाने की लोड़ नहीं, मैं जर्नल दे विच ही तुहानू नमेरिकल करादे करादे ही दो दे दो चैप्टर थ्यूरी दे करा देने हन, तुहानू किसी तरह की वरी करन की लोड़ नहीं हैगी। डबल एंट्री सिस्टम इनू तां कहा जांदा है क्योंकि जिनी अमाउंट डेबिट विच कीती जांदी है सेम अमाउंट ही डियर स्टूडेंट्स क्रैडिट दे विच लिखी जाती है। हुण इस तो बाद अगला काम है छोटा ब्रैकट पाना है, याद रखना छोटा ब्रैकट, छोटे ब्रैकट दे विच लिखनी हुंदी है नरेशन, नरेशन लिखन लग्या याद रखना अमाउंट नू छड के बाकी सेम अमाउंट लिख दित्ती जाती है, तो की लिखांगे राम स्टार्टेड बिजनेस, शॉर्ट टू शॉर्ट लिखन की कोशिश करनी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आज मेरी पेंसिल चलन में थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है, इस तो बाद नीचे लाइन आएगी, लाइन के उपर तुसी आपकी पेंसिल रखनी है और लंबी लाइन खिंच देनी है, इसनों कहने एंट्री नू क्लोज करना। बेटा जी याद रखना एंट्री नू क्लोज करन लग्या ये लाइन सिर्फ पर्टिकुलर्स दे विच विच ही होनी चाहिए, ना तो लैजर वैल्यू वाले पासे जाए ना ही डेट वाले पासे जाए। तो जिहड़ी चीज़ ब्रैकट विच लिखी इसनों की कहने नरेशन, की कहने नरेशन, तो प्यारे विद्यार्थियो नरेशन दे विच सेम स्टेटमेंट लिख देईदा है, उस तो बाद छोटे ब्रैकट नाल इसनों बंद कर देना है, तो लास्ट ते एक लाइन खिंचनी है, इस लाइन नू कहने एंट्री नू क्लोज करना, इनू की कहने एंट्री नू क्लोज करना। और असी ये जर्नल दे फॉरमेट दे विच एक एंट्री पोस्ट कर ली, की कर ली एंट्री पोस्ट कर ली, जो एक एंट्री कर लैने तो उन्हें कहने एंट्री पोस्ट हो गई, असी एक एंट्री पोस्ट कर ली। मान लो एक स्टेटमेंट और आ गई मशीनरी परचेज दी, की आ गई मशीनरी परचेज्ड फॉर रुपीज 10,000, असी 10,000 की मशीन खरीदी। हुण रूल मुताबक मशीन रियल अकाउंट है डेबिट होएगा, कैश बिजनेस विचो गया रियल अकाउंट है क्रैडिट होएगा। सारिया तो पहला हमेशा डेबिट नू लिखना है, वो कोई चीज़ मर्जी होए, वो डेबिट कैश होए, वो मशीनरी होए, लैंड होए, बिल्डिंग होए, तो असी सब तो पहला डेबिट वाले नू लिखांगे। तो बिल्कुल जिवें सी पाया एवें इन दी सेध ते नीचे एम कैपिटल पावांगे। इस तो बाद लिखांगे जी मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, बेटा आज मेरे वाली पेंसिल सही नहीं चल रही, इस वास्ते स्लो स्पीड चल रही है, देर इज सम प्रॉब्लम। ता जी मशीनरी नू पहला डेबिट लिख के लिया, हुण साडा अगला काम की है क्रैडिट लिखना, क्रैडिट नहीं लिखना, क्रैडिट दी थां ते की पाना है TO2, तीन छोड़ के वन टू थ्री, एच के नीचे क्या डालेंगे टू, टू क्रैडिट की करना है कैश, तो की लिखांगे टू कैश
अकाउंट अकाउंट पूरा पाना है क्योंकि साढ़े को पूरी स्पेस है, इस वास्ते असी पूरा अकाउंट लिखांगे जी। हूँ डेबिट के सामने जिनी अमाउंट है 10,000 ध्यान रखना उपर वाले डिजिट थले डिजिट आए कोमा पा के 3-0, इधर कैश के सामने डिजिट थले डिजिट लिखना है। प्रॉब्लम आ रही है पेंसिल चलने में, कोई नहीं आप जिन्ना ही कर लाँगे नो प्रॉब्लम। तो 10,000 आ गया। अगला साडा काम की है नरेशन लिखना। नरेशन दस्या है छोटा ब्रैकट पहले पाना है, सेम स्टेटमेंट लिख देनी है अमाउंट नू छोड़ के। तो की लिखांगे मशीनरी, तो स्टूडेंट्स असी लिखांगे मशीनरी परचेस्ड। तो डियर स्टूडेंट्स की लिखा जाएगा मशीनरी परचेज्ड और इस नू की करांगे क्लोज। नीचे लाइन होएगी उत्थे लाइन मार देनी है, इस नू कहने एंट्री नू क्लोज करना। की कहने एंट्री नू क्लोज करना। और जिहड़ा ब्रैकट दे विच लिखा गया है इट्स कॉल्ड नरेशन। नरेशन नू छोटे ब्रैकट दे विच क्लोज करना है और जो एंट्री नू क्लोज करना है तो लाइन ना डेट वाले पासे जाए ना लैजर फैल्यू वाले पासे जाए, ये सिर्फ पर्टिकुलर दे विच ही रहनी चाहिए है। ये एंट्री नंबर 2 पोस्ट होगी किन दे विच फॉर्मेट ऑफ जर्नल दे विच, ये सारा की है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इस नू असी डेट वाइज लिखना हुंदा है। हुण कई पुछणगे जी लैजर वाले फॉल्यू विच तो कुछ लिखिया नहीं, लैजर वाले फॉल्यू विच कुछ नहीं लिखिया जांदा, इस नू हमेशा खाली छोड़िया जाता है। जो अगला चैप्टर करांगे लैजर वाला उदो असी इहदे विच कुछ लिखांगे, हाल की कड़ी इहदे विच कुछ नहीं लिखिया जाता। असी अज कीता फॉर्मेट ऑफ जर्नल और इस एंट्री नू किवें पोस्ट करना है। हुण तक असी लास्ट लैक्चर च सिख्या सी कि डेबिट क्रैडिट किवें निकालने ने, डेबिट क्रैडिट निकालन तो बाद असी अज जर्नल दे फॉर्मेट नू समझण दी कोशिश कीती। माई डीयर स्टूडेंट सब तो पहला डेबिट लिखना है, गल पल्ले बन लो। फिर क्रैडिट की वारी आ गई, क्रैडिट वर्ड नहीं पाना, क्रैडिट की थां ते की पाना है TO2 और क्रैडिट वाली अमाउंट क्रैडिट वाले कॉलम में लिखनी है। फिर एंट्री नंबर 2 लिखन लग्या M कैपिटल बाकी सारे समॉल लैटर पाने हैं, A कैपिटल बाकी सारे समॉल लैटर पाने हैं और डेबिट थले डेबिट आना चाहिए है। इस नू DR नहीं बोलना, इस नू डॉक्टर नहीं बोलना, इस नू डेबिट बोलना है। 2 कैश अकाउंट बिल्कुल क्रैडिट वाले कॉलम में लिखना है। इनू कहने एंट्री नू क्लोज करना जिहड़ी थले लाइन लगाई है, ना आंदे पुलना ते ना जांदे पुलना। क्लोज करन लग्या लाइन ना तो डेट वाले पासे जानी चाहिए ना लैजर फॉल्यू वाले पासे जानी चाहिए, राइट। तो नरेशन लिखन लग्या छोटी ब्रैकट का इस्तेमाल करना है और नरेशन लिखन लग्या सेम स्टेटमेंट लिख देनी है अमाउंट नू छोड़ के। तो मैं उम्मीद करता कि अज वाला जिहड़ा मैं जर्नल का फॉरमैट तुहानू समझाया है ये तुहानू थोड़ा थोड़ा जरूर समझ आ गया होना है। जे किसी नू समझ नहीं आई तो तुहानू घबराने की जरूरत नहीं हैगी, आपां कल ये दोबारा फिर समझांगे। अज मेरी पेंसिल सही नहीं चल रही, कल इहनू ठीक करांगे, आपां दोबारा समझांगे। जिहड़े बच्चे अज नवें जुड़े हन मेरे इस लैक्चर नू जल्दी जल्दी लाइक कर दिओ। लाइक करन तो बाद प्यारे विद्यार्थियों जिन्हां ने अजे चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सबसक्राइब जरूर कर दिओ तां कि आप जी नू नवीं नवीं वीडियोज़ मिलदियां रहन। मैं उम्मीद करदा कि अज वाला थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होना है, जे नहीं समझ आया तो इहनू दोबारा चला के देख लेना जी। कल दोबारा फिर मिलांगे सेम टाइम ते, तद तक तुसी इस नू चंगी तरह नाल दोबारा सुन लेना जी। जय हिंद।